परफॉर्मेंस के बारे में, वुमेन स्टूडेंट के बीच में आते हैं? देखिए, इवेंट की बात यह है कि इवेंट तो हम लोग करते रहते हैं, मगर कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो यादगार रह जाते हैं। हमारे जो भाई साहब हैं हिमांशु वाला साहब, वो जब हमारे पर एक भावुक बन के एक डालते हैं ना कि आपको आना है, आपको ये इवेंट में करना है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो हमारे लिए सब साइड में है। मेरे भाई के लिए पहली बात तो यह है, और आज आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और अदिति जी, बहुत आपका इवेंट कामयाब हो और बहुत मज़ा आया है, इतना ऊपर वाला आपको नवाजे। अभी ये इवेंट हुआ, अभी ये बहुत बड़ा इवेंट बन के निकले, और आपके साथ आपके साथ ऐसी शख्सियत है हिमांशु झुंझुनवाला, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैंने अक्सर करके जितने मेरे अपने नंबर हैं वो गाए हैं, कुछ जो पॉपुलर हॉर सॉन्ग हैं जो मेरे अलावा, क्योंकि ये वो मकाम है जब आप क्राउड के साथ मैशअप करते हैं, तो उस वक्त ये रहता है कि उस क्राउड को झुमाना, नाचना, गाना, तो आपके या तो आपकी पल्ले में इतने सॉन्ग हों कि आप उनको नचाओ, या फिर आप उन्हीं गीतों को जो बड़े बड़े लीजेंड सिंगर के सॉन्ग हैं उनको एक मैशअप बना के प्रेजेंट करो, तो उसका आनंद कुछ अलग आता है। तो मैंने अक्सर करके 100% में से कुछ 60% अपने गीत गाए हैं और 40% बाहर के लोगों के। एक शेर पापा के लिए, शेर पापा का, एक शेर पापा का, मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी, मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज़ रखना। ये मेरे वालिद मोहतरम का शेर है। आज जो भी है अल्लाह के बाद, रसूल के बाद, जो भी सदका है मेरे बाप चाचा का, तो आज ये सब बीच में आ गए। क्या स्कूल के दिन याद आ गए, स्कूल कॉलेज के, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये बच्चे दिन के तो, ये बच्चे तो बड़े हो गए हैं, ऐसे तो नहीं, हम तो इनसे भी छोटे छोटे बच्चों के सामने परफॉर्म करते हैं, और अक्सर करके कॉलेज में जो फंक्शन होता है, जो शोज होते हैं, उसमें भी ये एटमोसफेयर रहता है। मगर बच्चे इतने मिक्स हुए हैं, मेरे कहने के साथ साथ मैंने बोला कि भाई वक्त कम है, आप आ जाइए और धमाल करते हैं। वो उन्होंने मेरी बात को रखा और उसका आपने रिजल्ट देखा है। अभी सर ये बताइए कि आज उन्होंने, शबाब भाई ने आपके कॉलेज के लिए और इस इवेंट के लिए परफॉर्म किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो यह है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। दूसरी बात, जिस तरह इलेक्ट्रीफाइंग इवेंट इन्होंने गाना गाया है, उसको देख के तो स्टूडेंट्स लोग में से तो एकदम झूम उठे वो लोग। दूसरा, हमें आज मालूम पड़ा कि हमारे स्टूडेंट में भी सिंगर छुपा हुआ है। एक दो स्टूडेंट तो उठ के गाने लगे, इतना अच्छा गाए कि हमें को मालूम भी नहीं था। तो ये सब होने से, ये सब कॉलेज ये सब करता है, तो इससे मालूम पड़ता है, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए ये बोरीवली डिज़ाइन फेयर हम करते हैं, जैसे बोरीवली के पब्लिक के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, और अच्छा लगता है। थैंक यू। आज का जो इवेंट था आदित्य कॉलेज का, इट वॉज अमेजिंग। आई थिंक द कॉलेज क्राउड इज़ द बेस्ट क्राउड दैट एन आर्टिस्ट कैन एवर गेट, क्योंकि जो कॉलेज टाइम में जो एनर्जी होती है ना, जो मज़ा लोग लेते हैं, वो उसके बाद कहीं ना कहीं आप रोज़ की ज़िंदगी में भूल जाते हैं, बट जो कॉलेज में एनर्जी और वो मिलता है आपको, सो दैट्स रियली अमेजिंग, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली थर्ली एन्जॉयड, एंड आई ऑलवेज एन्जॉय कॉलेज क्राउड्स। सारे दोस्त हैं अपने, एंड देर ऑल फैंटास्टिक म्यूजिशियंस। वी हैव विकी, वी हैव अर्जुना, अनुभव, स्वाति, ऑल फैंटास्टिक सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, एंड उनके साथ एक और मज़ा बढ़ जाता है, बिकॉज यू नो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वी जस्ट हेयर टू एन्जॉय एंड हैव अ गुड टाइम विद द कॉलेज क्राउड, एंड वी ऑल थर्ली एन्जॉयड। आई डोंट थिंक यू नो, मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं म्यूज़िक का स्टूडेंट हूँ, मैं बस कॉलेज में नहीं पढ़ता, यही फ़र्क है। सो कॉलेज के बच्चों के साथ मिलके फिर वैसा ही वो कॉलेज वाले दिन याद आ गए, जो मस्ती होती थी, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आई टोल्ड देम दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू आर हैविंग, ये आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, सो एन्जॉय टू द फुलेस्ट, एंड लेट्स सी उसके बाद कैसे होता है आगे लाइफ, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एन्जॉय। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मैंने बहुत सारे, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिशन में एक टाइम में पार्ट लिया है। मैं फेम गुल में टॉप 5 में था, सारेगामा विनर रहा हूँ, एक नेशनल लेवल टैलेंट हंट में रहमान साहब ने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया हुआ है। मैं ऑल इंडिया रेडियो का गज़ल कॉम्पिटिशन विनर रहा हूँ 2004 में, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आई हैव डन, बट दैट वॉज अ जर्नी दैट ब्रॉट मी हेयर टुडे, एंड टुडे आई एम इन हेयर इन फ्रंट ऑफ यू डूइंग माई बेस्ट। आई डोंट कॉल दैट अ स्ट्रगल, यू नो। हाँ, तो मैं जब मुंबई आया तो वो सीधा फेम गुरुल के बाद आया था, एंड
क्योंकि एक मेरी एक छोटी पहचान बन गई थी, तो मुझे उस तरह एक स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जैसे लोग बोलते हैं, बिकॉज पीपल काइंड ऑफ न्यू मी एंड दे यू नो हैड सीन मी. सो मुझे कभी उस स्ट्रगल के दौर से नहीं गुजरना पड़ा. बट यू नो देर इज़ ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू यू नो डू गुड म्यूजिक इन लाइफ, टू डू समथिंग गुड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द स्ट्रगल इज अबाउट. थैंक यू. आदित्य कॉलेज ऑफ क्या हुआ भैया? आज का इवेंट बहुत कमाल का था. आदित्य कॉलेज ऑफ डिज़ाइन ने इसको ऑर्गेनाइज किया और हमें बुलाया, तो आई एंजॉयड इट. लोग बहुत नाच रहे थे एंड स्टूडेंट्स हैं, एनर्जी होती है, तो बहुत मज़ा आया. मुझे भी अपने कॉलेज डेज याद आ गए, तो बहुत मज़ा आया. मुंबई में कॉलेज के बीच में स्टूडेंट के बीच में डांस करना कितना अच्छा लगा आपको, बीच में आना? बहुत बहुत. मुझे एक्चुअली कॉलेज के शोज़ करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्योंकि वो बहुत पागलों वाली एनर्जी होती है, क्रेजी क्राउड होता है, और एक्चुअली लोग साथ देते हैं स्टूडेंट्स, तो मज़ा आता है. आप नोट से हैं जब गाना गाते हैं बिल्कुल तन मन, जिसको कहते हैं कि दिमाग से बिल्कुल, क्या कहना चाहिए गाना, आपने कौन सा गाना परफॉर्म किया? मैंने तो बहुत सारे गाने गाए. मैंने मेडली की थी लैला में, लैला से लेकर के मैंने अपना खुद का गाना गाया बन्नो तेरा सोएगा, रेलगड्डी, तो वो सब करते हुए आए, बहुत मज़ा आया. इस गाने पे आप क्या फीलिंग आती है दिल में जब गाना गाते हैं, पब्लिक जब सामने तालियां बजाती है? एक्चुअली हम आर्टिस्ट इसी दिन के लिए ही मतलब एक तरीके से जीते हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो सबका सपना होता है कि जब आप एक लाइन गाए, और खासकर अगर वो आपका गाना और लोगों को पता है वो साथ में गा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तो बहुत मज़ा आता है. ऐसी कौन सी चीज़ ने आपकी एक अलग पहचान बनाई, मतलब हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, शाहरुख सलमान हो, आपके गाने की पहचान से स्वाति की एक पहचान बनाई, कौन सा गाना है? सबको पता है बन्नो तेरा स्वैगर, बन्नो तेरा स्वैगर से मुझे ये पहचान मिली, और उसके बाद भी काफ़ी गाने आए, रेलगड्डी भी उतना ही हिट हुआ, और अब बारबी गर्ल आया है मेरा तेरा इंतजार में सनी लियोनी का, उसको भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. कितना बड़ा एक्सपोजर मिला उसको जब आप मार्केट जाते हैं, कोई अरे बोलो स्वाति जा रही है, या फिर एक पहचान वाली बात है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है. गाना तो देखिए स्ट्रगल जैसे सब करते हैं, मेरा भी स्ट्रगल चालू था, स्क्रैच वगैरह कर रही थी. लक अच्छा था कि आनंद एल राय सर को पसंद आ गया, तनिष बागची ने जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वायु, उन लोगों ने आगे प्रोसीड की मेरी आवाज़, और उनकी वजह से मुझे गाना मिल गया. तो फिर रनिंग को क्या क्या आपके साथ रनिंग, अभी रिसेंटली एक महीने पहले ही मेरा गाना आके गया है, उसको काफ़ी जिस दिन आया था उस दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा था बारबी गर्ल, तो ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया. एंड अब आगे जो गाने आने वाले हैं वो आपको एक दो महीने पता चलेंगे. एक्टिंग में भी नजर आएंगी स्वाति? नहीं. मुझे गाना गाने से बहुत प्यार है, मैं किसी चीज़ को ना नहीं बोलती, बट हाँ अपने गाने में मैं एक्ट करते हुए दिख सकती हूँ सिंगल्स में, बट ऐसे और नहीं. एक लाइन तो आपसे गवाएंगे बन्नो वाला, एक लाइन आप बन्नो. मैंने गा दिया, मैं बन्नो गा दिया, मैं बार भी गाऊंगी. ओके. झुमका पटियाले वाला ईयर बिच ऐसा डाला, मेरी ब्यूटी के आगे सारे स्वैग हडल, आई'म अ सेक्सी बॉबी गर्ल, आई'म अ सेक्सी बॉबी गर्ल, शाइनिंग ब्यूटी लाइक अ पर्ल, आई'म अ सेक्सी बॉबी गर्ल. अपना एडिट किसको मानते हैं बॉलीवुड में? देखिए मेरे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा अटैच हूँ. सोनू निगम सर, सुनिधि चौहान जी, लता मंगेशकर जी तो स्कूल है म्यूज़िक की, तो उनके बारे में तो बोलना भी मतलब है, लेकिन इन सबको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं. थैंक यू सो मच.